जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से। तो इस वीडियो में आज आप लोग को जो है कृष्ण जी की लीलाओं के दर्शन करने को मिलेंगे। उन्होंने जो काल मतलब अपने बाल्यकाल में जो लीलाएं की थी, तो वही सब आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं और वीडियो को एंजॉय करिए आप लोग। यहाँ पर माता यशोदा जी ने जो है वो कृष्ण जी को रस्सी से बांधा हुआ है। यहाँ पर कृष्ण तथा बलराम जो है वो अपनी सखाओं के साथ खेल खेल रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण जी जो है वो ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे लग रहा था कि वो कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे, और जो सारे जो ग्वाल वाले थे वो कमल की पंखुड़ियों जैसे मतलब किनारे किनारे बैठे हुए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को यह बताने के लिए ये सब जो गौवे बछड़े तथा बालक जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं वो मौलिक नहीं है, और तो ये सब बालक जो है वो चतुर्भुज विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। यहाँ पर कृष्ण तथा बलराम ने जो है वो क्या बोले धेनु का सुर मतलब गधे का जो है वध किया था, तो वही है दिखाया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर संध्या के समय कृष्ण तथा बलराम जो है वो ग्वाल बालों तथा गांवों को साथ लिए बांसुरी बजाते हैं वृंदावन आए थे। तो ये वही दृश्य है यहाँ पर। तो स्कंद पुराण के अनुसार हजारों गोपियों में से जो है 16,000 गोपियाँ प्रमुख है, और उसमें से जो है 108 गोपियाँ विशेष रूप से विख्यात हैं, ये बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पर गोपियों के साथ कृष्ण जो है वो रास नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कंस को जो है कृष्ण जी उसके आसन से मतलब घसीट कर मल्ल युद्ध के मंच पर ले आए थे, और फिर इसके बाद उसका उन्होंने पर काफी प्रहार मतलब उसका वध कर दिया था प्रहार करके। यहाँ पर कृष्ण जी जो है वो रुक्मणी जी के साथ है।
यहाँ पर भौमासुर के वध करने के पश्चात भगवान ने उसके महल में प्रवेश किया था। थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने यहाँ तक वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू सो मच।